हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन के टॉप 25 क्विज क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि नीट 2023 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला नंबर पे है, उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? ए नंबर पे है युग्मक बनते समय, बी नंबर पे है बीज में, सी नंबर पे है निषेचन के समय और डी नंबर पे है अंडे में। क्या होगा इसका सही आंसर? ए नंबर, युग्मक बनते समय। दूसरा नंबर है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? ए नंबर है पराग, बी नंबर पे है अंडाशय, सी नंबर पे है युग्मनज, डी नंबर पे है परागकोश। क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर, पराग। तीसरा नंबर पे है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? ए नंबर पे है युग्मनज, बी नंबर पे है नर युग्मक, सी नंबर पे है अंडाशय और डी नंबर पे है परागकोश। इसका उत्तर होगा ए नंबर, युग्मनज। चौथा नंबर है, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ए नंबर पे है लीची, यहाँ बी होगा, सॉरी सी लिखती हूँ, यहाँ सी होगा। बी नंबर पे है आम, सी नंबर पे है जामुन, डी नंबर पे है बांस। इसका उत्तर होगा डी नंबर, बांस। अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है। पांचवा नंबर देखेंगे, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ए नंबर पे है फर्न में, बी नंबर पे है पाइनस में, सी नंबर पे है ईस्ट में, डी नंबर पे है म्यूकर में। किसमें होता है? सी नंबर होगा, ईस्ट में होता है। सिक्स नंबर पे है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ए नंबर पे है जलकुंभी में, बी नंबर पे है पैरामीशियम में, सी नंबर पे है अमीबा में, डी नंबर पे है बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, बी एवं सी, पैरामीशियम में और अमीबा में। सातवां नंबर है, कलिकारोपण किसका उदाहरण है? ए नंबर पे है लैंगिक जनन का, बी नंबर पे है उत्तक संवर्धन का, सी नंबर पे है कायिक जनन का और डी नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। किसका होगा? सी नंबर, कायिक जनन का। आठवां नंबर है, मक्का के अर्धसूत्राणु 2N में गुणसूत्र की संख्या होती है? ए नंबर पे है 20, बी नंबर पे है 28, सी नंबर पे है 24, डी नंबर पे है 26। 20 होता है, ठीक है, ए नंबर। नाइन नंबर देखेंगे, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर बॉडी के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? ए नंबर पे है बाह्य निषेचन, बी नंबर पे है आंतरिक निषेचन, सी नंबर पे है अनिषेक जनन और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए नंबर, बाह्य निषेचन। दसवां नंबर देखेंगे, किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? ए नंबर पे है टेरिडोफाइट्स, बी नंबर पे है सवाल, सी नंबर पे है ब्रायोफाइट्स, डी नंबर पे है इन सभी का। क्या होगा? डी नंबर, इन सभी का। ग्यारहवां नंबर है, निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित होता है? ए नंबर पे है कवक का, बी नंबर पे है ब्रायोफाइट्स का, सी नंबर पे है सवाल का और डी नंबर है इन सभी में। क्या होगा? डी नंबर, इन सभी में। बारहवां नंबर है, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? ए नंबर पे है फर्न, बी नंबर पे है पेनिशिलियम, सी नंबर पे है कारा और डी नंबर पे है स्पाइरोगाइरा। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, स्पाइरोगाइरा। तेरहवां नंबर है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? ए नंबर पे संलयन द्वारा, बी नंबर पे है द्विविखंडन द्वारा, सी नंबर पे है संकरण द्वारा और डी नंबर पे है खंडन द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर, द्विविखंडन द्वारा। चौदह नंबर पे है, इनमें कौन
ठहरे हुए पानी में उककर ऑक्सीजन खींच लेता है। ए नंबर पे जलकुंभी, बी नंबर पे है अगेव, सी नंबर पे है हाइड्रिला और डी नंबर पे है कमल। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उककर ऑक्सीजन खींच लेता है। 15 नंबर पे है युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। ए नंबर पे है नर युग्मक, बी नंबर पे है मादा युग्मक, सी नंबर पे है ए और बी दोनों, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। 16 नंबर है इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। ए नंबर पे है केला, बी नंबर पे है अदरक, सी नंबर पे है ब्रायोफिलम, डी नंबर पे है डहलिया। क्या होगा सी नंबर, ब्रायोफिलम। 17वां नंबर है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब वह विधि क्या कहलाती है। ए नंबर पे है लैंगिक जनन, बी नंबर पे है अलैंगिक जनन, सी नंबर पे है बाहरी निषेचन और डी नंबर पे है आंतरिक निषेचन। क्या होगा अलैंगिक जनन। 18वां नंबर है किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। ए नंबर पे मोनेरा, बी नंबर पे पुष्पीय पौधा, सी नंबर पे हाइड्रा और डी नंबर में है कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए नंबर, मोनेरा। 19वां नंबर है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगाश्री बाइसेक्सुअल है। ए नंबर पे नींबू, बी नंबर पे खजूर, सी नंबर पे है नारियल, डी नंबर पे है पपीता। इसका उत्तर होगा सी नंबर, नारियल उभयलिंगाश्री है। 20वां नंबर है गेमा द्वारा प्रजनन रिप्रोडक्शन किसमें होता है। ए नंबर पे स्तनधारियों में, बी नंबर पे है निम्न श्रेणी के जंतुओं में, सी नंबर पे है ब्रायोफाइटा में, डी नंबर पे है उच्च श्रेणी के पौधों में। इसका उत्तर होगा सी नंबर, ब्रायोफाइटा में। 23वां नंबर देखेंगे उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। ए नंबर पे है जल में, बी नंबर पे है आंतरिक, सी नंबर पे है हवा में और डी नंबर पे है बाह्य। इसका उत्तर होगा बी नंबर, आंतरिक। 24वां नंबर देखेंगे इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है। ए नंबर पे है सांप, बी नंबर पे है मगरमच्छ, सी नंबर पे है मुर्गी, डी नंबर पे है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा इनमें से सभी, सांप मगरमच्छ मुर्गी अंडप्रजक प्राणी है। 25वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजक है। ए नंबर पे है मक्खी, बी नंबर पे है तितली, सी नंबर पे है बिच्छू और डी नंबर पे है कॉकरोच। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, बिच्छू। हमारा क्विज यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।